This news is co-sponsored by Pramod Jewelers and Gift Center, Parthinagar, MRDC, Hina Road, Nagpur. सावनेर नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में पिछले कई दिनों से हर एक दो दिनों में आग लगने की घटना उजागर होने से नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा डंपिंग यार्ड को संचालित करने वाली कंपनी की मनमानी के चलते आसपास रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बार बार उजागर होती आग डंपिंग यार्ड संचालित करने वाले नागपुर वेस्ट हैंडलिंग कंपनी के लापरवाही से या यूं कहे कि जानबूझकर लगाए जाने की चर्चा आम है और वैसे अनेक शिकायतें नगर प्रशासन को करने के बाद भी ढाक के पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। तारीख 15 मई की शाम अचानक क्षेत्रवासियों को गंदी बदबू तथा धुएं से सांस लेने में तकलीफ होने पर घरों से बाहर निकलकर देखने पर डंपिंग यार्ड से धुएं के गुबार उठना शुरू दिखाई दिए और शायद लोगों के जहन में एक ही सवाल उठते लगा हो कि ये आग कब बुझेगी। बता दें कि पिछले एक महीने से यह आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के मंत्री सुनील केदार सहित नगर प्रशासन मुख्याधिकारी आदि से क्षेत्र की जनता ने अनेकों निवेदन कर इससे निजात दिलाने की मांग तथा हजारों नागरिकों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने की बात कही। नागपुर वेस्ट हैंडलिंग कंपनी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले सावनेर।